So today I'm going to revise chapter electoral politics. So in this, first of all, we will start with what are elections, the process by which people elect their representatives is called election. The process by which people elect their representatives is called elections. So in India, general elections, they are held after every 5 years. Har country ka apna apna tenure hai. कई कंट्रीज में आफ्टर 6 years होते हैं, कईयों में आफ्टर 4 years, यूएसए में जैसे आफ्टर 4 years है, वेयर एज इन इंडिया आफ्टर 5 years, जनरल इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years, ठीक है। तो हु कंडक्ट दीज इलेक्शंस, अब किसके ऊपर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर द इलेक्शंस, तो हम कहेंगे इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बताना है आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यू हैव टू लर्न दिस आर्टिकल। आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस अबाउट या मेंशन अबाउट इलेक्शन कमीशन। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 324 देखें तो उसमें सारा इलेक्शन कमीशन के बारे में मेंशन किया हुआ है। इलेक्शन कमीशन हैज 3 members, वन इज कमिश्नर एंड अदर 2 आर हिज हेल्पर्स। एक कमिश्नर, 2 उसके हेल्पर्स, ठीक है। इलेक्शन कमीशन हैज 3 members, वन इज कमिश्नर, अदर 2 members आर हिज हेल्पर्स एंड द टेन्योर और द टर्म इज आप कहोगे 6 years। इलेक्शन कमीशन का जो टेन्योर है दैट इज 6 years। नो डाउट इलेक्शन 5 years के बाद होते हैं, जनरल इलेक्शन इन इंडिया आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years, तो इलेक्शन कमीशन का टेन्योर या टर्म कितनी है, दैट इज 6 years। तो इलेक्शन कमीशन टेन्योर ऑफ इलेक्शन कमीशन इज 6 years। मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन, ये जो मेंबर्स हैं कमिश्नर एंड 2 helpers, दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। कौन इनको अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो इलेक्शन कमीशन परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम कहेंगे डेट ऑफ इलेक्शन, ठीक है। फिर हम कहेंगे रिवाइज वोटर्स लिस्ट, नेम्स ऑफ न्यू वोटर्स आर एडेड एंड बोगस वोटर्स आर डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट, तो वोटर्स लिस्ट रिवाइज हो जाती है। फिर हम कहेंगे डीमार्केशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, डीमार्केशन होती है कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, ठीक। फिर हम कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन थ्रू आउट द कंट्री सारी गवर्नमेंट मशीनरी को चेक करते हैं, चेक द गवर्नमेंट मशीनरी। गवर्नमेंट मशीनरी मीन्स इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसमें आ जाती है, ठीक है, कि पूरी जहाँ अगर कंट्री के इलेक्शंस हैं तो क्या वो थ्रू आउट कंट्री में जो ईवीएम है वो वर्किंग है, प्रॉपर कंडीशन में है, तो दैट इज चेक्ड बाई इलेक्शन कमीशन बिफोर हैंड। ये सब पहले से ही चेक किया जाता है, गवर्नमेंट मशीनरी चेक होती है। देन फिर हम कहेंगे के चेक रिगिंग ड्यूरिंग इलेक्शन, रिगिंग मीन्स फ्रॉड, कि कोई भी फ्रॉड ना हो ड्यूरिंग इलेक्शन, कोई भी पार्टी अपनी पावर मिसयूज ना करे, जैसे रूलिंग पार्टी मोस्टली मिसयूज इट्स पावर्स, तो इलेक्शन कमीशन चेक ऑल कि कोई पार्टी अपनी पावर मिसयूज तो नहीं कर रही, ठीक है। गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज तो नहीं हो रहा, गवर्नमेंट मशीनरी मीन्स व्हीकल्स, गवर्नमेंट के व्हीकल्स, कि कोई पार्टी अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग जब करती है तो गवर्नमेंट की व्हीकल्स या गवर्नमेंट के पेट्रोल से वो नहीं कर सकते, तो ऑल दिस इज चेक्ड बाय इलेक्शन कमीशन के गवर्नमेंट मशीनरी मिसयूज तो नहीं हो रही। तो फिर रिगिंग चेक होती है, हम कहेंगे, है ना। तो ये सिंबल्स आर अलॉटेड टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज बाय इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन गिव रिकॉग्निशन टू द पार्टीज एज नेशनल एंड रीजनल, ये सब ये सारे काम इलेक्शन कमीशन करता है। नॉमिनेशन की डेट, टू फिल द नॉमिनेशन पेपर, ये सब डेट्स कौन डिक्लेयर करता है? इलेक्शन कमीशन। तो इट परफॉर्म्स वेरियस फंक्शन, अगर किसी एरिया में रिगिंग हो जाए तो इलेक्शन कमीशन कैन कैंसिल द पोल्स ऑफ दैट एरिया, इज इट क्लियर? तो दिस इज अबाउट द फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन। कौन से आर्टिकल में मेंशन है अबाउट इलेक्शन कमीशन? आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस अबाउट इलेक्शन कमीशन, कितने मेंबर्स है? 3। टेन्योर कितना? 6 years। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, वन इज कमिश्नर, 2 आर इज हेल्पर्स। तो उनके फंक्शंस मैंने सारे बताए हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस जो वो परफॉर्म करते हैं। तो हमारी कंट्री में इस वे से इलेक्शंस जो हैं दैट आर कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस को कंडक्ट करवाते हैं। अब
इलेक्शन से पहले क्या होता है, सबसे पहले मैंने बोला डीमार्केशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। डीमार्केशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, फॉर एग्जांपल हम कहें कि अगर लोकसभा के इलेक्शन हैं, कंट्री के इलेक्शन है, तो कंट्री इज डिवाइडेड इंटू स्मॉलर पार्ट्स नोन एज पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो एट प्रेजेंट हमारी कंट्री में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट प्रेजेंट इन अवर कंट्री। तो ये सारी डीमार्केशन कौन करता है? इलेक्शन कमीशन। अब इसमें हम कहेंगे कि जनरल कैटेगरी की 412,844 एससी एंड 474 एसटी, आप काउंट कर लो, तो ये बन गया 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमारी कंट्री में अगर हम कहें तो 543, हाउ मेनी 543। तो उसमें से अगर हम कहें कि 412 फॉर जनरल कैटेगरी, इसके लिए जनरल के लिए 412 फॉर जनरल कैटेगरी एंड एससी के लिए 84 फॉर एसटी। तो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कंट्री को बांटा जाता है। तो अगर यहाँ पे मैं ये बात पूछूं, व्हाई दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज, टू ये रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, व्हाई, ऐसा क्यों? तो हम कहेंगे अवर गवर्नमेंट डू नॉट वॉन्ट टू वायलेट द राइट ऑफ दीज पीपल, अवर गवर्नमेंट वॉन्ट टू प्रमोट द डिग्निटी ऑफ दीज पीपल, एस सी एंड एस टी की डिग्निटी को प्रमोट करने के लिए अवर गवर्नमेंट हैज रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, सो दैट दीज पीपल कैन ऑल्सो कम इन पावर टू इम्प्रूव देअर कंडीशन, क्योंकि अर्लियर देयर कंडीशन वॉज नॉट गुड इन अवर सोसाइटी, दे वर डिस्क्रिमिनेटेड बाई द सोसाइटी। तो इनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए है ना, तो हमारी गवर्नमेंट ने रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज इंट्रोड्यूस कर दी ताकि इन लोगों के साथ इनजस्टिस ना हुए। दे शुड ऑल्सो हैव से इन पॉलिटिक्स, ताकि इन लोगों की भी पॉलिटिक्स में सुनवाई हो सके। अगर ये लोग पावर में आएंगे, पॉलिटिक्स में आएंगे, दे कैन इम्प्रूव देयर कंडीशन देमसेल्व्स, तो दैट्स व्हाई रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज इंट्रोड्यूस की गई। गवर्नमेंट वॉन्ट टू प्रोटेक्ट दीज पीपल फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डोमिनेशन, फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इनजस्टिस, तो दैट्स वाई गवर्नमेंट हैज रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो इस वे से हम कहेंगे, ठीक है, तो डीमार्केशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो जाती है। पॉलिटिकल पार्टी सिलेक्ट द कैंडिडेट्स, पार्टीज अपने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करती हैं, एंड देन पार्टीज इशू मैनिफेस्टो, जिसमें पार्टीज अपना पॉलिसीज प्रोग्राम्स देती हैं, वोटर्स उस पॉलिसीज प्रोग्राम्स को देख के वोट डालते हैं। तो एक तो ये हम कहेंगे कि इंडिया में इलेक्शंस कैसे करवाए जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कैंपेनिंग करती हैं। व्हाइल डूइंग कैंपेनिंग पार्टीज को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इशू करते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज इशू बाय इलेक्शन कमीशन। तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है क्या? रूल्स एंड रेगुलेशंस, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। व्हाइल डूइंग कैंपेनिंग पार्टीज हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन इशू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये पार्टीज एंड कैंडिडेट्स को ये रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, पार्टीज एंड कैंडिडेट्स हैव टू फॉलो देम व्हाइल डूइंग कैंपेनिंग। अब कैंपेनिंग करते वक्त ना तो रिलीजियस प्लेस की यूज को यूज कर सकते हैं, पार्टीज और कैंडिडेट्स कैन नॉट डू कैंपेनिंग बाय यूजिंग रिलीजियस प्लेसेस, सेक्रेट सिंबल्स नहीं यूज कर सकते, कांट डिमांड वोट इन द नेम ऑफ कास्ट एंड रिलीजन फ्रॉम द वोटर्स, कांट गिव ब्राइब, रिश्वत नहीं दे सकते वोटर्स को। तो इस वे से हम कहेंगे के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है ना वो कौन इशू करता है? इलेक्शन कमीशन। फॉलो किसको करने होते हैं? पार्टी और कैंडिडेट को। अब उसमें हम बताएंगे क्या क्या नहीं कर सकते। सबसे पहले तो रिलीजियस प्लेस नहीं यूज कर सकते फॉर द कैंपेनिंग, फिर हम कहेंगे सीक्रेट सिंबल्स भी नहीं यूज कर सकते, ठीक, फिर हम कहेंगे
के ब्राइब रिश्वत नहीं दे सकते, मनी एंड मसल पावर नहीं यूज कर सकते, ठीक। तो इस वे से आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बताओगे, ठीक। तो जो ये कैंपेनिंग है एंड्स बिफोर 48 आवर्स ऑफ द डे ऑफ द इलेक्शन, फ्रॉम द डे ऑफ द इलेक्शन, जब 48 आवर्स रह जाते हैं ना इलेक्शन डे को, तो ये कैंपेनिंग बंद हो जाती है, मीन्स 2 days बिफोर कैंपेनिंग एंड हो जाती है। तो अब आप हम कहेंगे पार्टीज ने अपना मैनिफेस्टो इशू किया, नो व्हाट्स मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो इज अ बुकलेट इशूड बाय मैनिफेस्टो, नो व्हाट्स मैनिफेस्टो, इट इज अ बुकलेट और पैम्फलेट इशूड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, ये एक बुकलेट या मैनिफेस्टो है, इट इज अ बुकलेट और पैम्फलेट इशूड बाय पॉलिटिकल पार्टी इन विच पार्टी गिव इट्स पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। अब इसमें पार्टी अपनी पॉलिसीज प्रोग्राम्स देती है टू अट्रैक्ट द वोटर्स, वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो इसमें उसकी पॉलिसीज प्रोग्राम्स होती हैं, वोटर्स सी द मैनिफेस्टो ऑफ द डिफरेंट पार्टीज एंड दे कास्ट देयर वोट इन द फेवर ऑफ दैट पार्टी हूज मैनिफेस्टो दे थिंक इज बेटर। सो इन दिस वे बाय इशूइंग मैनिफेस्टो पार्टीज गिव चॉइस टू द वोटर्स, पार्टीज वोटर्स को चॉइस देती हैं, ठीक है। तो इस वे से ये सब काम होते रहते हैं बिफोर इलेक्शंस। और अब आ गया डे ऑफ इलेक्शन। अब जब डे ऑफ इलेक्शन आता है तो वोटर्स गो टू पोलिंग बूथ, पोलिंग बूथ जाते हैं टू कास्ट देयर वोट एंड दे कास्ट देयर वोट बाय यूजिंग ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम मींस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और उनके पास होता है एपिक इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, मीनिंग ऑफ एपिक हियर इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। तो वो साथ में होता है, पीपल यूज ईवीएम एंड इन इंडिया वोटिंग। ईवीएम पे क्या होता है, नेम ऑफ द कैंडिडेट, एक मिनट, ओन ईवीएम, नेम ऑफ द कैंडिडेट is written, तो जो with symbols, name of the candidate is written with symbol, तो voters press the button against the name of the candidate on EVM, तो इस वजह से वो अपनी वोट डाल देते हैं। In India, voting is done by secret ballot. Secret ballot का मतलब क्या है, no one knows, no one except voters, voter के बिना किसी को नहीं पता, no one except voter knows in whose favor he or she has casted his vote. अब कोई किसी के साथ भी चला जाए तब भी उसको पता नहीं चलता कि पर्सन ने वोट किसको डाली, क्योंकि ये सीक्रेट बैलेट के थ्रू होती है। किसी को पता नहीं चलता वोटर ने किसको वोट डाली, क्योंकि उसने बटन प्रेस करना होता है और वो कोई देख नहीं रहा होता। तो सीक्रेट बैलेट, no one except voter knows in whose favor he or she has casted his vote. तो इन इंडिया वोटिंग इज डन बाय सीक्रेट बैलेट। तो अब वोटिंग होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहेंगे ऑन द डे ऑफ इलेक्शन वोटर्स गो टू, वोटर्स किधर जाते हैं, पोलिंग बूथ, वोटर्स किधर जाते हैं, पोलिंग बूथ विद एपिक, साथ में क्या लेके जाते हैं, एपिक। एपिक का मतलब क्या है, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड एपिक लेके जाते हैं। और वहां पे वोटिंग इज डन बाय सीक्रेट बैलेट, वोटर के बिना किसी को नहीं पता इन हूज फेवर ही और शी हैज कास्टेड हिज वोट। तो इस वजह से अब वोटिंग होगी, ईवीएम के थ्रू वोटिंग हो जाती है। तो अब वोटिंग के बाद ईवीएम जो होती हैं, दे आर कैरीड टू काउंटिंग सेंटर्स। अब वो काउंटिंग सेंटर्स चली जाती हैं, सब कुछ सील हो जाता है, पैक हो जाता है एंड कैरीड टू काउंटिंग सेंटर्स। अब काउंटिंग सेंटर्स में बिफोर द एजेंट्स ऑफ पार्टीज और बिफोर द कैंडिडेट, क्योंकि कैंडिडेट हर जगह नहीं जा सकते, तो दैट्स वाई उनके एजेंट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज के, हर जगह वो पहुंच जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काउंटिंग सेंटर्स पे वो पहुंच जाते हैं एंड वोटिंग इज, काउंटिंग इज डन बिफोर द डिफरेंट पार्टीज के एजेंट्स और कैंडिडेट, या फिर कई जगहों पे कैंडिडेट खुद जाते हैं एंड बिफोर देम काउंटिंग इज डन। तो काउंटिंग उनके सामने होती है, पर्सन दैट गेट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स इज डिक्लेयर्ड विनर, तो उसको विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। अगर तो कंट्री के इलेक्शंस होते हैं तो वो एमपी बनते हैं, अगर वो स्टेट के होते हैं तो एमएलए, जैसे अभी हमारी स्टेट के होने हैं, पंजाब के होने हैं,
तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, एमएलए बनेंगे अभी, तो दे आर सिलेक्टेड बाय पीपल थ्रू इलेक्शंस, लोग उन्हें सिलेक्ट कर लेते हैं, जो भी विनर होते हैं उनके नेम डिक्लेयर किए जाते हैं। तो इन दिस वे ये सारा प्रोसेस है इलेक्शन का, हमारी कंट्री में इलेक्शन इस वे से हो जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट, अब मैंने कहा हमारी कंट्री में क्या इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर मैनर से होते हैं, तो हम कहेंगे कि यस फ्री एंड फेयर मैनर से होते हैं हर एक, क्योंकि वैल्यू ऑफ वोट इज सेम, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट रिलीजन जेंडर, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर टू ऑर्डिनरी वर्कर ऑफ द फैक्ट्री, सबके वोट की वैल्यू सेम है। जबकि हम सऊदी अरेबिया जाएं तो टू वुमेन के वोट की वैल्यू एक मेल के बराबर है, ठीक है। आपने फिजी एस्टोनिया भी पढ़े थे, वहां पे भी वहां के इनहैबिटेंट्स जो है उनके वोट की वैल्यू आउटसाइडर्स से ज्यादा है। तो इट मीन्स ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन है, वेयर एज इन अवर कंट्री वैल्यू ऑफ वोट ऑफ द पर्सन इज सेम, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, वैल्यू ऑफ वोट सबकी इक्वल रखी हुई है हमारी कंट्री में। तो इट मीन्स फ्री एंड फेयर है, और साथ में इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर फिक्स टेन्योर। हमारी कंट्री में ये नहीं है कि इलेक्शंस अब नहीं करवाने, जैसे कोई कोरोना ही था जैसे, है ना, तो गवर्नमेंट कहते कि इस साल इलेक्शंस ही नहीं करवाने, ये अगले साल करवाएंगे, नो ऐसा नहीं होता। इलेक्शन हमेशा फिक्स टेन्योर पे होते हैं, फ्री एंड, तो ये भी इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर बनाते हैं, और वैल्यू ऑफ वोट इज सेम, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो इस वे से हम कहेंगे कि इलेक्शंस आर हेल्ड इन फ्री एंड फेयर मैनर, ठीक है। बट फिर भी हम कहेंगे कि सबको इलेक्शंस, हर कोई इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज इलेक्शंस आर एक्सपेंसिव। हमारी कंट्री में कहीं ना कहीं इलेक्शंस आर एक्सपेंसिव। तो अगर मैं बोलूँ कि इलेक्शंस एक्सपेंसिव हैं, इतना खर्चा गवर्नमेंट इलेक्शंस पे करती है, अगर वही खर्चा इलेक्शंस वाला रोक के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे लगा दे तो दैट इज बेस्ट ना। आप सोचो कि वो अच्छा होएगा? नो, कभी भी इसको पॉजिटिव आंसर नहीं देना, आपने कहना नो, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। इलेक्शन इज द मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, इलेक्शन मेन फीचर है डेमोक्रेसी का, तो इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड, दो दे आर एक्सपेंसिव। चाहे वो एक्सपेंसिव आपको कितना भी लालच दे दे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगी, कंट्री में ग्रोथ हो जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी, तो इलेक्शन खर्चा करते ही नहीं है, वो साथ सीधा हम उसी पे लगा देते हैं। तो आपने तब भी इसको रिजेक्ट करना है, इस आइडिया को आपने कहना नो, इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड, इलेक्शन इज द मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। अगर गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं कराएगी ना, इट कैन बिकम डिक्टेटरियल एट एनी टाइम, कभी भी वो डिक्टेटरियल हो जाएगी। तो फिर हम कहेंगे कि इलेक्शंस का अगर हम देखें, इलेक्शंस आर एक्सपेंसिव, नो डाउट इलेक्शंस आर एक्सपेंसिव, बट इफ वी अगर हम उसे चेक करते हैं द एवरेज वन पर्सन जो कॉस्ट है ना, एक्सपेंडिचर है ना, जो वो एक पर्सन के ऊपर अगर हम देखें तो दैट इज ओनली 500 रुपीज, 500 रुपीज ओन पर पर्सन, अगर उसकी कॉस्ट देखें तो वो सिर्फ 500 रुपीज पड़ता है एक पर्सन के ऊपर। तो 500 रुपीज हैज नो वैल्यू बिफोर अवर सिविल लिबर्टीज, क्योंकि अगर कंट्री डेमोक्रेटिक है तो वी आर इंजॉइंग सिविल लिबर्टीज, हमें सिविल लिबर्टीज मिली हुई हैं। अगर हमारी कंट्री में इलेक्शंस ही नहीं होंगे, कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं रहेगी, तो मींस हमारे पास सिविल लिबर्टीज भी नहीं रहेंगी। हिटलर ने आते ही सिविल लिबर्टीज सस्पेंड की थी, क्योंकि वो डिक्टेटर बना था। वेमर रिपब्लिक एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेके आई थी, और हिटलर ने जैसे ही डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की, उसने जो जो सिविल लिबर्टीज वेमर रिपब्लिक ने दी थी सारी सस्पेंड कर दी थी। तो इट मीन्स अब आप अपने आप सोच के देखो कि अगर हम देखें कि 500 रुपीज की वैल्यू ज्यादा है कि हमारी सिविल लिबर्टीज की, तो हम कहेंगे इफ वी कंपेयर तो वैल्यू ऑफ अवर सिविल लिबर्टीज इज मोर एज कम्पेयर टू 500 रुपीज, सो इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड। तो वो तो होने ही चाहिए, उसको कभी भी गवर्नमेंट को पोस्टपोन या रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। फिर हम कहेंगे कि गवर्नमेंट इतने इतने खर्चे करती है कॉमनवेल्थ गेम्स, गवर्नमेंट ने इतना खर्चा किया, और साथ में सब मरीन खरीदने पे भी गवर्नमेंट इतना खर्चा करती है, ठीक है, तो वाई नॉट ओन इलेक्शन, तो क्यों नहीं ओन इलेक्शन, विच इज द मेन फीचर, जो कि मेन फीचर है जो कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाता है, स्ट्रेंथन द बेसिक फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, इससे डेमोक्रेसी की जड़ें भी मजबूत होती हैं इलेक्शन होने से। तो इसलिए हम कहेंगे वाई नॉट ओन इलेक्शन, इफ गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग सो मच मनी ऑन कॉमनवेल्थ गेम्स और ऑन बाइंग सबमरीन फ्रॉम फ्रांस, देन वाई नॉट ओन इलेक्शन, विच इज द मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। सो इन द एंड वी कैन से दो इलेक्शंस आर एक्सपेंसिव बट दे मस्ट बी हेल्ड, चाहे वो एक्सपेंसिव है पर वो होने चाहिए, वो कभी भी हमें रिजेक्ट नहीं करने
क्योंकि अगर हम रिजेक्ट करेंगे तो गवर्नमेंट क्या बन जाएगी, डिक्टेटोरियल। अगर गवर्नमेंट डिक्टेटोरियल बनेगी तो हमें क्या नुकसान होगा, हमें क्या नहीं मिलेंगी, सिविल लिबर्टीज, सिविल लिबर्टीज आर नॉट गिवन टू अस, हमें सिविल लिबर्टीज नहीं मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट। फिर आपको पूछा जाए कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो जाती है सिटीजन अगर कैंडिडेट की, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या वो बीए पास होना चाहिए, क्या वो मैट्रिक होना चाहिए, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बताओ। तो आपने कहना है इन अवर कंट्री देयर इज नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है हमारी कंट्री में कैंडिडेट्स के लिए, पॉलिटिकल जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं उनके लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं रखी हुई। क्यों? बिकॉज इन अवर कंट्री हम कहेंगे कि बहुत से लोग इलिटरेट भी हैं बट दे हैव गुड नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स, बहुत से लोग इलिटरेट हैं बट उन्हें पॉलिटिक्स की पूरी नॉलेज है। तो गवर्नमेंट ने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसीलिए नहीं रखी क्योंकि गवर्नमेंट उन लोगों के राइट को वॉयलेट नहीं करना चाहती। गवर्नमेंट डू नॉट वॉन्ट टू वॉयलेट द राइट ऑफ इलिटरेट पीपल हु आर हैविंग गुड नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स। इज इट क्लियर? गवर्नमेंट ने क्यों नहीं रखी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बिकॉज इन अवर कंट्री देर आर सो मेनी इलिटरेट पीपल बट दे आर गुड इन पॉलिटिक्स, दे हैव गुड नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स। सो अवर गवर्नमेंट हैज नॉट एनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बिकॉज अवर गवर्नमेंट डू नॉट वॉन्ट टू वॉयलेट द राइट ऑफ दोज इलिटरेट पीपल हु आर हैविंग गुड नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स। तो हम कहेंगे इसलिए कोई रखी नहीं। ठीक है, फिर हम कहेंगे कि बट इफ अगर person is educated and having good knowledge about politics, agar person educated bhi hai aur usko politics ki knowledge bhi hai, then such candidates can do wonders for the country. aise candidates padha likha aur having good knowledge about politics agar hai to aise candidates country ke liye wonders, bahut miracles kar sakte hain. so in this way अगर आपको पूछा जाए कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है तो आपने कहना कोई, वैसे भी ये जो हमारे कैंडिडेट्स हैं ये बहुत टफ एग्जामिनेशन देके आए हैं, ये तो ऑलरेडी इतना टफ एग्जामिनेशन देके आए हैं बिकॉज दे आर एग्जामिन्ड बाय लैक्स ऑफ वोटर्स। इनको जज किन्होंने किया है, लैक्स ऑफ वोटर्स ने, तब जाके ये पावर में आए हैं। तो दे हैव गिवन टफ कॉम्पिटिशन, इन्होंने बहुत टफ कॉम्पिटिशन में से निकल के ये लोग आए हैं। They are selected by lakhs of voters. They are judged by lakhs of voters. तो ये तो पहले ही इतना tough examination देके आए हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट इनके लिए कोई भी educational qualification नहीं रखी। It means इन लोगों में लोगों को कुछ अच्छी बात दिखी तभी लोग इनको पावर में लेके आए हैं, तो वो इनका examination ही है। तो वो इतना tough exam clear करके आए हैं क्योंकि उनको select किसने किया, लोगों ने, lakhs of voters ने। तो वो एक tough एग्जामिनेशन क्लियर करके तब पावर में आए हैं। सो हम कहेंगे कि ये जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो इंडिया में ऐसा नहीं रखी हुई हमारी गवर्नमेंट ने, क्योंकि हमारे कैंडिडेट बहुत टफ एग्जाम क्लियर करके फिर पावर में आते हैं। एग्जाम अब ये नहीं है क्योंकि वो सच में पेपर देते हैं, मीन्स एक टफ कॉम्पिटिशन में से निकल के आते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे आर जज्ड बाय लैक्स ऑफ वोटर्स, उनको लैक्स ऑफ वोटर्स सेलेक्ट करते हैं, मीन्स उनमें कोई खास बात होगी तभी वो पावर में आए हैं। तो इट मीन्स आप कहोगे कि अगर हम साथ साथ एंड में हम दोनों पॉजिटिव आंसर देंगे कि अगर हमारे कैंडिडेट एजुकेटेड, ये थोड़ा सारी एजुकेटेड भी होते हैं, वेल क्वालिफाइड कैंडिडेट भी होते हैं, कई बार अनएजुकेटेड भी होते हैं, कई वेल क्वालिफाइड, कई बार मीडियोकर। तो आप कहोगे अगर कैंडिडेट पढ़ा लिखा है, इफ कैंडिडेट इज एजुकेटेड एंड हैविंग गुड नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स दे कैन डू वंडर्स, पर ये नहीं है कि जो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो नहीं कर सकता। मैंने अभी बोला कि दे हैव गुड नॉलेज अबाउट, समटाइम्स दे आर हैविंग गुड नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स, तो वो भी कंट्री के लिए अच्छा वर्क कर जाते हैं। तो इस वजह से हम कहेंगे हमारी गवर्नमेंट ने कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन